हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। दोस्तों, आज का वीडियो एक प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो है। आज मैं बात करने वाली हूं कि किस तरीके से सी सेक्शन के बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस अपना अच्छा बना सकते हैं, किस तरीके से बच्चे को फ्री फीड कराना है और मिल्क सप्लाई और सब कुछ जो भी इससे रिलेटेड होगा वो सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सिंस मेरा भी सी सेक्शन हुआ था और मैंने डे वन से अपने बच्चे को फीड कराया है, तो क्या क्या चैलेंजेस आए मेरी लाइफ में, क्या कुछ मैंने और उससे सीखा, मतलब एक्सपीरियंस क्या लिया, मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ में क्या हुआ, उससे क्या एक्सपीरियंस आया, वो सब कुछ आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी। वीडियो काफ़ी यूज़फुल एंड हेल्पफुल होने वाला है। एंड यस, थोड़ा सा साउंड आ रहा है बाहर, कहीं बाहर कुछ काम चल रहा है, सो प्लीज़ थोड़ा सा आप उसके साथ में एडजस्ट कीजिएगा। एंड यस, विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, अगर डिलीवरी की बात करें तो आजकल सी सेक्शन डिलीवरी बहुत कॉमन हो गई है। इवन इतनी कॉमन हो गई है कि नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो वो रेयर लगने लगी है, इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है। सो इसलिए इससे कोई घबराने की या इसके बारे में कोई भी अपने मन में डाउट्स, नेगेटिव थॉट्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे ही चीज़ें जब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है ना, तो उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस भी मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सी सेक्शन डिलीवरी एक समय में थोड़ी सी टेंस्ड करती थी लोगों को, लेकिन आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी और इतनी सारी सुविधाएँ आ गई हैं कि आपको सी सेक्शन डिलीवरी से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मिथ, कोई भी डाउट है, आप उसको दूर कर लीजिए, अच्छा पढ़िए, थोड़ी जानकारी गेन कीजिए। और अगर आपने मेरी स्टोरी नहीं देखी तो आप मेरी स्टोरी देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ये इतनी डिफिकल्ट और इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो गाइस, जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, तब तो आप कुछ घंटों के बाद ही आपकी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, आपका पूरा कंट्रोल अपने ऊपर होता है, तो आप चीज़ें जो भी है जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लेकिन जब आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है ना, तो आपको काफ़ी लंबा टाइम होता है आपकी रिकवरी में, और आपका जो बॉडी मूवमेंट है वो तो कुछ घंटे में तो स्टार्ट हो नहीं पाता है, क्योंकि आपको एनेस्थीशिया दिया रहता है। तो एनेस्थीशिया जब तक कि पूरा उसका असर ख़त्म नहीं होगा, आपकी पूरी बॉडी जो है वो कॉन्शियस नहीं हो जाएगी, तब तक आप कैसे फीड करा पाएंगे, कैसे मूव कर पाएंगे। तो इस वजह से आप मतलब स्टार्टिंग में फीड करा नहीं पाते हैं, मतलब बच्चा हुआ उसके एक दो घंटे के बाद आप फीड नहीं करा पाते जब तक कि आप पूरी तरीके से कॉन्शियस ना है। दूसरी चीज़ कि आपको पेन बहुत होता है जब आपकी पूरी बॉडी में से यू नो एनेस्थीशिया का असर ख़त्म हो जाता है ना, तब उसके बाद आपको पेन शुरू होता है। जो एनेस्थीशिया का असली पेन था ना, वो फिर तब शुरू होता है। तो आपकी बॉडी में वो वाला पेन तो होता ही है जो एनेस्थीशिया की वजह से होता है, प्लस आपके जो स्टिचेस लगे होते हैं ना, वो भी बहुत पेन करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि आप बहुत ही फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, मुड़ना, उठना, बैठना, चलना, ये सब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एटलीस्ट जो पहला दिन होता है जब आप एकदम ही नए होते हो उस पेन से, तब तो आपको बहुत ज़्यादा फील होता है, फिर धीरे धीरे आप थोड़ा सा सहना शुरू कर देते हो। सो ये कारण होता है जबकि आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते हो। और सारी चीज़ें और डिफ़िकल्ट होती है जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि कैसे क्या करना है तब। तो ये पेन होना और एनेस्थीशिया दिया रहना, उसके बाद जब सब कुछ ठीक भी हो जाता है तो आपके बेबी जो है वो इतना छोटा होता है, उसका मुंह इतना छोटा, उसका साइज इतना छोटा होता है, तो उसको हैंडल करना और फीड कराना एक टास्क होता है जो आपको चैलेंज फील हो सकता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड साथ में ना वो पूरे टाइम सोता रहता है, ज़रा सा भी उसको कम्फर्ट मिला नहीं कि वो सो जाता है। सो आपका जो मतलब 10 मिनट का काम है ना, वो आधे घंटे में होता है। मतलब आप उतनी देर आपको वो पेन जो है वो बियर करना पड़ता है, बैठे हैं तो बैठना है, जो भी पोजीशन आपने स्पेशली लिए ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, तो वो सब आपको बियर करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा स्लीपी होता है। सो वो सब मैं आपको बताऊँगी कि आप क्या कर सकते हो, तो ये एक कारण हो सकता है। उसके अलावा क्या होता है कि मिल्क सप्लाई भी कई लोगों की इनिशियली सफ़र कर जाती है, क्योंकि बच्चा जो है ना वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता नहीं, आपके स्किन टू स्किन कांटेक्ट में नहीं आता है, या फिर आपके ना कई बार क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमको सी सेक्शन डिलीवरी होगी, या फिर हम बहुत ज़्यादा हमने अगर सोच रखा होता है ना, स्ट्रेस्ड अगर होते हैं, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, आपके इमोशंस अगर इतने स्ट्रांग होते हैं, हावी होते हैं, तो भी आपको ना ब्रेस्ट मिल्क की जो सप्लाई है वो उतनी प्रॉपरली शुरू नहीं हो पाती है, थोड़ी सी डिले हो जाती है या कम हो जाती है, जो भी है। तो इसीलिए मैं एडवाइस सबको यही करती हूँ कि जब आप डिलीवरी करने वाले हों, मतलब आपकी होने वाली समय नज़दीक हो, तो आप अपने आप को कूल माइंड रखिए और उस एटीट्यूड में रखिए कि यार जो आएगा वो हम कर लेंगे। अपना जज्बा आपको रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी लेटर ऑन मैं इस वीडियो में आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वो सब मैं आपको डिस्कस करूँगी। फिलहाल हमने ये चैलेंजेस डिस्कस कर लिए, इनमें से कोई भी एक रीज़न हो सकता है जिससे कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसको ईजी कैसे बनाया जा सकता है और क्या कोई पोजिशंस हैं जिनको कि आप जिनमें आप बच्चे को ईजिली कम्फर्टेबली फीड करा सकते हैं।
तो गाइस सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही आपका बेबी डिलीवर होता है तो आप पूरी अपनी कोशिश कर लीजिए, और पहले भी जो फॉर्म वगैरह फिल कराते हैं या फिर जो भी आपका प्लान जब डिसाइड होता है तो आप पहले ही ये चीज़ मतलब मेंशन कर दीजिए कि आप टोटली इंटरेस्टेड है ब्रेस्ट फीड कराने में, और जितना जल्दी पॉसिबल हो आप बच्चे को आपके पास लाया जाए ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, तो वो जो डॉक्टर स्टाफ होता है वो आपको सपोर्ट करता है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किन कॉन्टैक्ट आप अपने बेबी का अपने पास मतलब करिए, जितना ज़्यादा स्किन कॉन्टैक्ट होगा उतने आपके हार्मोन्स कुछ ऐसे रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से मिल्क सप्लाई बढ़ता है, प्लस जो बच्चा होता है उसके अंदर भी एक लैच करने की टेंडेंसी आती है कि मतलब उसको माँ का स्पर्श मिलता है, सो वो खुद से भी ट्राई करता है, तो जैसे जब आप उसे ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उसको कम्फर्टेबली वो करने की कोशिश करता है, ये सब उसके अंदर इनबिल्ट होता है, बट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होने की वजह से ना उसको भी ये चीज़ अंदर से आती है, उसके जो माइंड है वो उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे क्या करके लैच करना है या ब्रेस्ट फीड करना है। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि आप जितना मतलब बच्चे को फीड कराएंगे ना उतना ही आपका मिल्क प्रोडक्शन रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर पर, थोड़ी थोड़ी देर मतलब 15 मिनट नहीं लेकिन हाँ 1 घंटे 2 घंटे जैसे भी आपका बच्चा जो है वो लगता है कि आपको भूखा है थोड़ा सा, तो आप उसे तुरंत अपना फीड देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ना जब वो छोटा मतलब जब वो हुआ रहता है तो वो उसका नींद उसको इतनी आती है, उतना नींद में होता है कि वो तुरंत सो जाता है, तो प्रॉपर उसका पेट नहीं भरता है और वो सो जाता है, तो आप तो फीड बंद कर देते हैं, तो इसलिए उसका पेट भी नहीं भरता है और आप का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी मतलब उतना बढ़ता नहीं है, तो जितना आप बच्चे को फीड कराएंगे बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, साथ में आपका जो मिल्क सप्लाई है वो भी बढ़ता रहेगा, तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने साथ ब्रेस्ट पंप आप ज़रूर लेके जाइएगा, मैं नहीं लेके गई थी एक्चुअली, मैंने तब तक ब्रेस्ट पंप खरीदा भी नहीं था, मुझे आइडिया ही नहीं था, लेकिन कभी ऐसा होता है सर्जरी वाले केसेस में मोस्टली ऐसा हो जाता है, किन्हीं ना किन्हीं कारणों से कभी होता है कि बच्चे को आपके पास नहीं लाया जा सकता है, जैसे कि मैं अपने केस की बात बताऊँ तो मेरे केस में मेरा बच्चा पूरा हेल्दी था, मैं भी हेल्दी थी, बट जिस रूम में हम रुके थे वहां पर कुछ आसपास कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिनकी वजह से बच्चे को लाना सेफ नहीं था क्योंकि इन्फेक्ट हो सकता था बेबी, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ टाइम के लिए जब तक कि जो पेशेंट आसपास वाले थे उनको वो जाने ही वाले थे ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो इस वजह से बच्चा जो है वो मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाया था काफ़ी लंबे टाइम तक, हालांकि जो मेरा मिल्क प्रोडक्शन है वो तो मेरा स्टार्ट हो चुका था, जो येलो मिल्क का कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको वो आ चुका था, बट मैं उसको फीड इसलिए नहीं करा पा रही थी क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स थी। सो ऐसी इमरजेंसीज या ऐसी कुछ कंडीशंस हो सकती है जब सब कुछ नॉर्मल है बट फिर भी आप बच्चे के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रहे हो, उसको फीड नहीं करा पा रहे हो, सो उस केस में आप क्या है कि अगर आपके पास ब्रेस्ट पंप है तो आप पंप करके वो जो स्टार्टिंग वाला मिल्क होता है या फिर जो भी मिल्क है आप देना चाहते हो आप बच्चे को पिला सकते हो, तो इससे आपका मिल्क सप्लाई भी रेगुलेट हो जाएगा, आपका बच्चे को भी माँ का ही दूध मिलेगा, हालांकि मेरे बच्चे को इनिशियली मुझे एक दो बार जो था वो फॉर्मूला मिल्क फीड कराना पड़ा था जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन अगर मेरे पास ब्रेस्ट पंप होता तो मैं उसको फीड करा सकती थी, तो इसलिए आप ब्रेस्ट पंप आप ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि अगर इनिशियली आप एक दो बार नहीं भी फीड करा पा रहे किसी भी कारण से तो ब्रेस्ट पंप आपकी हेल्प कर देगा। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब आपकी बॉडी बहुत पेन होती है ना तो आपका मूवमेंट, आप चाहते हो बच्चे को फीड कराना, बच्चा भी जाता है फीड करना, लेकिन आप पोजीशन बना नहीं पाते हो या फिर आपको पेन इतना होता है कि आप वो चीज़ सह नहीं पाते हो, तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कीजिए, वो आपको डॉक्टर्स जो हैं तो उस टाइम पे वैसे भी पेन किलर्स देते हैं, तो आप प्रॉपरली अगर लेंगे तो आपका पेन कंट्रोल रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन मतलब वो दवाई लेना बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम पर पेन किलर्स जो होते हैं, एंड कई लोगों को डाउट आ सकता है क्योंकि हम पेन किलर ले रहे हैं तो बच्चे को फीड कराएं कि नहीं कराएं, तो बच्चे पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो थोड़ा सा स्लीपी स्लीपी सा हो जाता है, इवन आप भी स्लीपी स्लीपी फील करते हैं वो दवाइयाँ लेकर के, लेकिन उससे आपका पेन जो है वो सबसाइड हो जाता है, तो आप ये सारी चीज़ें कर पाते हैं, उसके अलावा कोई साइड इफेक्ट या कुछ प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है बच्चे को फीड कराने में, तो आप कोशिश कीजिए अगर आपको बहुत पेन हो रहा है तो आप डॉक्टर से बात कीजिए, साथ में जो लैक्टेशन कंसल्टेंट होते हैं वो आते भी हैं वहाँ पर, तो आप वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हो रही है आप उनको खुल के बताइए, बिल्कुल भी शर्माइए हिचकिए मत, क्योंकि वो आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करेंगे, वो एक्सपर्ट होते हैं तो वो आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करेंगे। एंड दूसरी चीज़ ये है मतलब जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि आपको खुद से बहुत ज़्यादा एक जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे फीड कराना ही है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इतना जज्बा रख लो कि यार जिएंगे या मरेंगे हम तो ब्रेस्ट फीड कराएंगे, ये वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दर्द तो होता ही है होगा ही, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सह सकें अपनी इच्छा शक्ति से अपने कम्फर्ट के हिसाब से तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और आप मतलब तुरंत ही सीख जाएंगे, 2-3 बार बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद बच्चा भी ट्रेंड हो जाता है और आप भी एक्सपर्ट हो जाते हैं कि कैसे उसको पकड़ना है कैसे क्या करना है वो सब चीज़ों में। आप अपने आसपास वालों की खुल के मदद लीजिए, बिल्कुल भी आप हेजिटेशन मत कीजिए, क्योंकि उनकी हेल्प आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने में।
तो अपना मतलब रखिए, क्योंकि आप जैसे ही बोलेंगे ना डॉक्टर को बहुत पेन हो रहा है, या घर वालों को बोलेंगे बहुत पेन हो रहा है, तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो, हम फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं। ऐसा मतलब मैंने भी जब बताया था कि मुझे पेन हो रहा है, तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, हम लोग इसको फॉर्मूला मिल्क दे देंगे। तो मैंने कहा नहीं, इतना नहीं हो रहा है, मतलब मैं बियर कर लूँगी, बियरेबल है, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर से मैंने बता दिया था। तो ये मैं आपको बोलूँगी कि अपना एटीट्यूड आप खुद से करिए कि नहीं मुझे तो करना है, तो आप कर लेंगे, बाकी लोगों से बोलेंगे तो वो आपको कंफर्ट देने के लिए आपको मना कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि पोजीशंस क्या होनी चाहिए, क्या कुछ कंफर्टेबल, बहुत सारी पोजीशंस है बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराने की, बट कुछ पोजीशंस हैं जो आपको, अगर आपकी सी सेक्शन हुई है तो आपको कंफर्टेबल रहेगा और आप इजीली उसमें स्टार्ट कर पाएंगे। सो ये मेरा हिट एंड ट्रायल फाइंडिंग थी बेसिकली, कि कौन सी पोजीशन ज़्यादा मेरे को कंफर्टेबल लगी। सो मैं आपको दो तीन पोजीशंस बता दूंगी। उस टाइम पे मुझे किसी भी पोजीशन का कोई नाम नहीं पता था कि ये क्या होता है वो क्या होता है, मैं तो बस हिट एंड ट्रायल के ऐसे बैठा लेती हूँ वैसे बैठा लेती हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मैंने इस टॉपिक को टच ही नहीं किया था कि क्या क्या पोजीशंस होती है, कितनी पोजीशंस होती है, सब चीज़ों पर मैंने कोई अपना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब मेरे पास बच्चा आया और मेरे मन में था कि नहीं मुझे एनी वेज करवाना है, और ये चीज़ मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं खुद कितनी मतलब उस टाइम पर मोटिवेटेड थी कि नहीं मुझे करना ही है। अगर मतलब ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये मैंने खुद, मुझे खुद भी मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ये स्टेप लिया कि नहीं मेरे को एनी वेज कराना है, चाहे जैसे बहुत डिफिकल्टी आई, मुझे वो फेज याद आता है, वो रात वो शाम मुझे याद आती है, तो मुझे बहुत हंसी भी आती है अपने ऊपर कि मैं कर नहीं पा रही थी। मतलब इतना छोटा सा बच्चा है ना, उसको पकड़ना ही एक टास्क होता है, तो हम सबको, मैं बैठ भी गई, सब कुछ हो गया, फिर भी उसका मुंह नहीं पकड़ा जा रहा ढंग से, ऊपर से उसकी गर्दन और वो सब इतना नाजुक होता है, तो बहुत ही मतलब एक वैसी अच्छी फीलिंग थी कि कैसे कैसे मैंने खुद, नहीं नहीं मुझे करना है, अच्छा ठीक है मेरे को हेल्प कर दो। मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने मुझे हेल्प की थी, एंड मैं, वो गुस्सा भी हो जाते थे कई बारी, तो मैं उनको बोलती थी अच्छा ठीक है फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है फिर से, ऐसे करके मतलब मैंने लिटरली वो सीखा है। ऐसे जैसे अपन कोई चीज़ का शौक होता है ना, पेंटिंग का और इसका उसका, तो हमें लगता है नहीं नहीं कुछ भी करके बस हमें सिखा दो, वो वाला एटीट्यूड था मेरा। और मुझे बहुत पेन हो रहा था, मुझे वो पेन भी बहुत अच्छे से याद है कि मैं मतलब बीच बीच में से कराहती थी कि अरे यार बहुत पेन हो रहा है, यार बहुत पेन हो रहा है। तो मुझे दोनों चीज़ें का बैलेंस जो था ना, वो मैंने किया था, और इसी से मुझे पता चला कि एक माँ होना क्या होता है, वो फीलिंग, वो थॉट जो ना अपने आप चेंज हो जाता है। सो एनीवेज, टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं कि पोजीशंस कौन कौन सी मैंने फाइंड की कि मेरे को ज़्यादा बेटर लगी। तो बेसिकली तीन पोजीशंस हैं जिनका नाम बाद में मैंने पता लगाया, तो वो था एक साइड लाइन पोजीशन। साइड लाइन पोजीशन जैसा कि नाम है कि आपको करवट लेके लेट जाना है और बच्चे को भी करवट लेके अपनी तरफ करके उसको फीड करा देना है। तो ये पोजीशन स्टिचेस जब आपकी होती हैं तो ये बेस्ट पोजीशन होती है आपके लिए, आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा और आप इजीली करा सकते हैं। बट इनिशियल एक दिन जो होता है ना, जब आपको बिल्कुल आता नहीं है कैसे बच्चे को फीड कराना है, बच्चे को भी कुछ नहीं आता है, एटलीस्ट फर्स्ट डे जो होता है ना पूरा, मतलब फर्स्ट डे में जितनी भी फीड्स आप करा रहे हो, तो वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। आपके पेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंफर्टेबल लगेगा, मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे कंफर्टेबल लग रहा था, बट बच्चे को मैं ना फीड करा नहीं पा रही थी, वो मेरा लैचिंग कर ही नहीं पा रहा था, मतलब मुझे डिफिकल्टी काफ़ी आ रही थी। सो नेक्स्ट पोजीशन जो आती है वो है क्रैडल पोजीशन। उसमें क्या होता है कि आप अपने नीचे एक तकिया ले लीजिए, या फिर ऐसे भी अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं, तो वैसे तो आप इतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो अपने नीचे एक तकिया बिछा लीजिए अपने लैप पे, और उस पर अपने बच्चे को रख करके, और ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर उसका सर रहता है, और आप ऐसे करके उसको फीड करा लेते हैं। तो ये जो पोजीशन होती है वो होती है क्रैडल पोजीशन बोलते हैं इसको, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगी। एंड नेक्स्ट पोजीशन जो होती है वो है फुटबॉल पोजीशन बोलते हैं, तो उसमें क्रैडल की तरह बच्चे को यहाँ ले लेना है, और फिर ये वाला जो दूसरा हाथ है ना, आप उससे उसके हेड को कंट्रोल करें। तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन मुझे लगी थी, फुटबॉल पोजीशन जिसको बोलते हैं, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। इसमें क्या होता है, बच्चे को भी आपने प्रॉपरली ग्रैब कर लिया है, और साथ में दूसरे हाथ से आप उसका जो माउथ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपरली। सो ये वाला पोजीशन मुझे सबसे सही लगा था। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि डे वन जो था उसमें मैंने शुरू के 4-5 फीड्स जो थे वो मेरे हस्बैंड ने मेरे को हेल्प की थी, क्योंकि मैं इतना बैठ ही नहीं पा रही थी, पूरा पीछे मेरे एनेस्थीसिया का असर था, तो वो बहुत पेन कर रहा था, आगे स्टिचेस थी तो वो बहुत पेन कर रहा था, तो मैं उतना बच्चे को अगर होल्ड कर रही थी तो मेरी बॉडी पे स्ट्रेस आ रहा था, तो उसकी वजह से मैं खुद तो कर रही थी बट उनका एक सपोर्ट था। और फिर जब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर मैंने रात भर मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि फुटबॉल पोजीशन मुझे इतनी सही, इतनी कंफर्टेबल लगी कि वो लेट करके साइड लाइन पोजीशन में मुझे जब मैं फीड कराती थी तो वो मुझे मेरी बॉडी को आराम तो मिल रहा था, बट बच्चे को फीड कराना एक मतलब अननेसेसरी लंबा पोजीशन, प्लस बच्चे को भी, क्योंकि वो तो
थोड़ा भी उसने लैच किया, थोड़ा सा भी उसके मुंह में मतलब मिल गया, तो वो तुरंत सोने की कंडीशन में आ जाता था। तो बहुत ही टायरिंग था मेरे लिए, इसलिए मैं जैसे ही इसको फीड कराना होता था तो हर एक घंटे पे उठ के बैठ जाती थी, और बैठ करके ही पीछे बैठने का मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं बैठना होता है, बेड जो होता है आपने देखा ही हॉस्पिटल का बेड, तो आप पीछे एक पिलो लगा करके कंफर्टेबल पोजीशन में थोड़ा सा बैठ जाइए एंड देन फिर बच्चे को फीड कराइए। थोड़ी देर ही वो फीड करता है, उसके बाद वो सो जाता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगी कि वो सो जाता है ना, तो आप उसके पैरों में इस तरीके से, जैसे ये उसका फुट है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा करिए, और एकदम हल्के हल्के से मत करिए कि उसको और कंफर्टेबल लगे और फिर से वो सो जाए, थोड़ा सा हार्ड शो के, उससे कुछ होगा नहीं बच्चे को, और इस तरीके से आप करते रहेंगे उसको तो वो सोएगा नहीं और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फीड कर लेगा, तो आपको मतलब फिर डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कम से कम एक घंटे की आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो आप एक एक घंटे पर, कम से कम एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे पर, जैसे आपको लगे फ्रीक्वेंटली फीड कराते रहिए, इससे आपका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा प्लस आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप 3-4 दिन, क्योंकि हॉस्पिटल में आप रहते हो ना, जब आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो आपको एक प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आपको 3 दिन करीब आपको हॉस्पिटल में रहना होता है, तो उसमें क्या आप मेडिकल गाइडेंस में होते हो, आपको जो फैसिलिटी मिलती है उसमें सिर्फ आपको अपना ख्याल रखना होता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फीड कराइए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। सो इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाइए और बच्चे को अच्छे से फीड कराइए, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। बस अपना मनोबल आप बना करके रखिए और बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है, प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी, जितना आप स्ट्रेस लेंगे ना उसे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं ना जो सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वो जो स्ट्रेस है ना वो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग को भी असर कर सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं, सो इसलिए मैं आपको ये चीज़ गाइड करूँगी। यहाँ पर मैं आपको दो टिप और देना चाहूँगी इम्पॉर्टेंट, कि एक तो आप या तो फीडिंग पिलो अगर आप चाहते हैं तो आप वो परचेस कर सकते हैं, या फिर जो आपको हॉस्पिटल में पिलोज़ मिलते हैं अच्छे, आप दो पिलो को एक के ऊपर एक कर लीजिए ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा स्टर्डी दोनों चीज़ें हो जाएँ। उसके ऊपर आप बच्चे को होल्ड खुद करिए, अपने हाथों पे ही होल्ड कीजिए, बट उस पिलो से क्या होता है थोड़ी सी हाइट बढ़ जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा झुकना या आपका पोस्चर नहीं बिगड़ता है, तो आप दो पिलोज़ को एक के ऊपर एक रख करके यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद बच्चे को फुटबॉल पोजीशन, क्रैडल पोजीशन या फिर साइड लाइन में तो पिलो की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये दो पोजीशन में आपको पिलो की ज़रूरत होगी, तो आप पिलो ज़रूर से रख लीजिए ताकि आपका पोस्चर ना बिगड़े और आपका पेन जो है वो थोड़ा सा कम हो। और दूसरी चीज़ कि जब आप बच्चे को फीड कराएं तो इस चीज़ का हाईली ध्यान रखें कि जो आपका ब्रेस्ट का डार्क पार्ट होता है निपल के आसपास, जिसको कि एरियोला बोलते हैं, वो आपके बच्चे के माउथ के अंदर अच्छे से चला गया हो, सो दैट कि जब बच्चा लैच करे तो आपके निपल्स पे या आसपास कहीं कट ना हो, आपका एक्सपीरियंस जो है वो शुरू में ही ख़राब ना हो। ये चीज़ आपको डॉक्टर भी बताएंगे और मैं भी आपको बता रही हूँ, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें जिससे कि आपका एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, क्योंकि कट लगने के बाद फिर आपको ना ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है स्टार्टिंग में। सो इसीलिए आप इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फीड कराने की फ्रीक्वेंसी आप अपनी ज़्यादा रखें, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रखें, जितना हो सके बच्चे के बारे में सोचते रहें, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सोचते रहें, इन सब चीज़ों से सच में बहुत फ़र्क पड़ता है, और ये इसके पीछे साइंस भी है, डॉक्टर्स भी ऐसा बोलते हैं, और बड़े लोग जो हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं वो भी ये चीज़ हमेशा बोलते हैं कि माँ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, फीडिंग के बारे में सोचना चाहिए, तो मिल्क सप्लाई बहुत अच्छे से आती है, प्लस जो ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा होता है। उसके पीछे शायद हार्मोनल रीजंस होते हैं या जो भी है, बट ये फैक्ट है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, जो भी मैंने वीडियो में बताया है उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, और अपने स्ट्रेस को जितना हो सके उतना कम कीजिए, अपनी इस जर्नी को अच्छा बनाने में अपनी खुद की हेल्प कीजिए। सो यस गाइज, ये था आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को हेल्पफुल लगेगा, आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।